हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से दो दिन की अंतरिम राहत मिलने के बाद एक ओर जहां सिनेमा जगत के तमाम दिग्गज सलमान से मिलने उनके घर पहुंचकर एकजुटता दिखा रहे हैं, वहीं जमानत पर सवाल उठने से बॉलीवुड के इस दबंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई की सत्र अदालत की ओर से दोषी करार दिए जाने के चंद घंटों के अंदर ही बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को 8 मई तक अंतरिम जमानत दे दी थी। सलमान को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को याचिका दायर की गई। मुंबई के वकील अखिलेश चौबे ने अपनी याचिका में अंतरिम जमानत पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द करने की मांग की है। जिस तरह से उनको बेल दी गई हम उसके अगेंस्ट है। ही वॉज ऑन बेल, ट्रायल के दौरान वो बेल पे थे, उनको बेल मिलना लाजमी है कानून, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनको 1:30 बजे कन्विक किया गया, 2:30 बजे उनकी अपील हियरिंग के लिए आ गई और इमीडिएटली उनकी बेल एप्लीकेशन हियरिंग के लिए आ गई, उनको एंट्री ऑर्डर दे दिया गया, ये सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सलमान खान को सजा मिलने के बाद 3 घंटे में ही जमानत मिलने पर वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। आभा सिंह के मुताबिक जिस केस की सुनवाई में 13 साल लग गए उस केस में सजा के बाद घंटों में बेल हो गई। जो हिट एंड रन केस 13 साल तक चलता रहा, 13 साल बाद सजा सुनाता है, वही जुडिशियल सिस्टम इतनी तेजी से भागता है कि 3 घंटे के अंदर ऑपरेटिव ऑर्डर पे एक्सटेंडेड बेल दे देता है। जबकि 389 सीआरपीसी कहता है कि जब आपको सजा सुनाई जाती है कॉग्निजिबल ऑफेंस की, जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो आपको हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है। हालांकि जानकारों की माने तो हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलना सामान्य बात है। ये इंटीरियम जो जमानत सलमान को मिली है, आम तौर पर बात ऐसी होती है क्योंकि जब तक सर्टिफाइड जजमेंट की कॉपी कोई मुल्जिम को नहीं मिलती है, तब मुल्जिम का हक बनता है कि अगर उसे उचली अदालत में जाना होगा तो तब तक वो उसके लिए स्टे मांग सकता है। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को मुंबई की एक सत्र अदालत ने बुधवार को 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट से 2 दिनों की अंतरिम जमानत मिलने के बाद सलमान रात 8 बजे के करीब घर पहुंच गए। तब से ही सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में देर रात तक उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। देर रात सलमान खान से मिलने वालों में प्रीति जिंटा, सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बासु, रानी मुखर्जी जैसी अभिनेत्रियां शामिल थी, तो अभिनेता में सुनील शेट्टी, सोनू सूद सहित पुनीत इसरर, चंकी पांडे ने सलमान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। आज दिन में सलमान के दोस्त और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान उनसे मिलने पहुंचे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी सलमान खान से मिलने उनके घर पहुंचे। दोपहर बाद सलमान की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता भी भाई के दुख में सांत्वना देने पहुंची। सलमान खान के वकील अब एक बार फिर जमानत अवधि बढ़ाने के लिए शुक्रवार को कोर्ट में दलील देंगे। देखना यह है कि शुक्रवार का दिन सलमान खान के लिए क्या संदेश लेकर आता है। अगर सलमान को कोर्ट से बेल दे दी जाती है तब तो सलमान को राहत मिल जाएगी, नहीं तो 13 साल पुराने इस मामले में उन्हें जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD News।